भजन संहिता अध्याय 138 परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर याव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। भजन संहिता अध्याय 97। परमेश्वर सर्वोच्च शासक यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वो भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय हैं। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हों। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, ये तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। भजन संहिता अध्याय 139। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है।
मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं और तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हां, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी बात है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर।